प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मगरूर शेर का अंजाम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में एक गर्जू नाम का शेर रहता था, जो बहुत ही लालची और जालिम था। वो रोजाना शिकार को निकलता और एक ही साथ बहुत सारे जानवरों का शिकार करता। सारे जानवर उसके खौफ से थरथर कांपते थे। बंदर तो शेर की आवाज सुनते ही अपने कान और आंखें बंद कर देते। भोलू खरगोश भी हर वक्त सेमा सेमा रहता। बेचारे खरगोश, बंदर, ये सब बेचारे क्या करते, कहां जाते? अगर वो इसी तरह हर रोज सारे जानवर खा जाता तो जंगल में बाकी क्या बचता? जंगल के जानवरों ने कहीं बार गर्जू को समझाने की कोशिश की, उससे इल्तजा की, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। वो तो बस एक ही गाना गाता, घूम घुमा कर दूं ढेर, नाम है मेरा गर्जू शेर, कच कच करके खाता जाता, क्या ही बेसा क्या बटेर। उसका ये गाना सुनकर जंगल के सारे ही जानवर सेम जाते। फिर एक दिन लुमड़ी हाला ने सब जंगल के जानवरों को जमा किया और एक तरकीब बताई। भाई, इस गर्जू ने तो हमारी जान ऐसे नहीं छोड़नी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर काकू बंदर कांपते हुए बोला, तो बताए ना हाला लुमड़ी, हम क्या करें? मैं तो अब डर के मारे घर से ही नहीं निकलता, कहीं गर्जू राजा मुझे चट ही ना कर जाए। उसकी बात सुनकर भोलू खरगोश भी बोला, जी जी हाला लुमड़ी, जल्दी बताएं इस आफत को कैसे टालें। अरे बताती हूँ, जरा सब्र तो करो, सब अपने कान इधर लाओ। खाला लोमड़ी ने शरारत से बोला, देखो भाई, तरकीब तो ये है कि गर्जू राजा ने तो हमारी बात सुननी है नहीं, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसी के पास जाएं और इसी से पूछ लें कि आखिर इसका कोई हल तुम खुद ही निकाल लो। हाँ हाँ, ये ठीक है। फिर वो सब गर्जू राजा की कछार पर जा पहुंचे। राजा जी मजे से सोए पड़े थे और फिर उनकी आंख खुल गई। भोलू बंदर डरते डरते आगे बढ़ा। इसे तो जैसे मसले का हल निकालने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। गर्जू राजा, जरा देखिए तो कौन आया है। गर्जू गुस्से से उठा और बोला, कौन है अंदर, कौन दलेर, चबा जाऊंगा जैसे भेर। बंदर डर के मारे फौरन भाग खड़ा हुआ। आखिरकार फिर लूमड़ी आगे बढ़ी और डरते डरते अदब से बोली, जंगल के बादशाह हमारी एक दरख्वास्त सुन लें। दरख्वास्त? कैसी दरख्वास्त? मैं तो तुम सबको कच्चा खा जाऊंगा। आज तो तुम सब खुद चलकर मेरे पास आ गए हो, क्या अच्छा दिन है। आज तो बिना मेहनत के इतना ज्यादा शिकार मिल गया, वाह गर्जू राजा वाह, क्या किस्मत पाई है। लूमड़ी हाला बोली, अरे अरे बादशाह सलामत, हम तो आपको बताने आए थे कि आप तो बहुत जल्द मरने वाले हैं, हम तो बचाने आए हैं आपको। खाला लूमड़ी ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा। चलाक थी, जानती थी कि गर्जू राजा अपने मतलब की बात जरूर सुनेगा। क्या 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 बोली खाला लूमड़ी, मरने वाला हूँ और वो भी भूख से? जी जी गर्जू राजा जी, वो वजह ये है कि आप हर रोज इतने सारे जानवरों को एक साथ खा जाते हैं, तो जंगल तो बहुत जल्द जानवरों से खाली हो जाएगा, आप अकेले ही रह जाएंगे, तो फिर बादशाह सलामत आप किस पर हुकूमत करेंगे? चलाक लूमड़ी जानती थी कि जिसे अपनी तारीफ सुनने की आदत हो, उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो लूमड़ी खाला, मगर इसका हल क्या है? लूमड़ी बोली, इसका हल ये है कि हम हर
हर रोज आपके कार में एक जानवर भेज दिया करें और आप उसे खा लिया करें, ना शिकार करने की मुसीबत, और फिर जंगल में जानवर भी बचे रहेंगे, और जानवर बचे तो हमारे बादशाह सलामत भी कभी भूखे नहीं मरेंगे। हमें तो बड़ा ख्याल है ना अपने बादशाह सलामत का। लूड़ी खाला खुशामद करने में लाजवाब थी। ये कहकर सब जानवर वादा करकर वापस जंगल की तरफ लौट गए। अगले रोज बकायदगी के साथ एक जानवर को राजा जी की खिदमत में पेश किया जाने लगा। जंगल में सारे जानवरों के दरमियान पर्चियां डलती और फैसला होता कि आज किसने जाना है। कभी जेब्रा को भेजा जाता तो कभी भैंस को। फिर आखिरकार एक रोज पोनू खरगोश की बारी आ गई, तो वो फौरन शेर के गार में जाने के बजाय जंगल में यहाँ वहाँ घूमने लगा और सोचने लगा कि आखिर क्या करूं जो जालिम शेर से बच जाऊं। प्यारे बच्चों, पता है सोनू खरगोश के पास एक बहुत ही मजेदार किस्म की तरकीब थी। उसने गर्जू शेर से बच निकलने का एक तरीका सोच लिया था। आखिर क्यों ना सोचता, उसे भी तो अपनी जान प्यारी थी। पोनू खरगोश आखिरकार शेर की गार में पहुंच गया, मगर गर्जू राजा तो गुस्से से लाल पीला हुआ बैठा था, और जब खरगोश को देखा तो और गुस्से में आ गया। हाँ हाँ, ये क्या मजाक है, एक तो मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और ऊपर से ये पिद्दा सा खरगोश भेज दिया। शेर गुस्से से खरगोश की तरफ भागा। इतने में पोनू खरगोश बोला, अरे अरे बादशाह सलामत, मेरी बात तो सुनिए, आपकी भूख का सबको ख्याल है। आपकी भूख मिटाने हम 5 खरगोश आ रहे थे, मगर रास्ते में वो गोजा शेर है ना, जिसके बड़े बड़े दांत थे और वो है भी बहुत खतरनाक, उसने हम सब पर हमला किया और बाकी सबको खा गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बादशाह सलामत। वो बोल रहा था गर्जू और जंगल का बादशाह। हा हा हा, वो तो दमे का मरीज है, सांस की बीमारी है उसको। जंगल का बादशाह तो गोजा शेर है, गोजा शेर। ऐसे ही वो सारी बातें बोल रहा था जंगल के बादशाह आपके लिए। क्या ऐसा बोला वो? जी जी बादशाह सलामत, और उसने तो अपनी भादरी पर एक गाना भी गाया था। कौन सा गाना गाया था बताओ मुझे। बादशाह सलामत वो कुछ ऐसा गा रहा था कि बुध एतवार या पीर मंगल, गोजा का है सारा जंगल, गर्जू आजा कर ले दंगल। गर्जू शेर गुस्से में पागल हो गया। क्या ऐसा बोला वो? जी जी बादशाह सलामत, जी ऐसे बोला जी जी। गर्जू को गुस्से में देखकर खरगोश दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ, क्योंकि जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हम बहुत से फैसले गलत कर जाते हैं, तो हम ठंडे दिमाग से सोच ही नहीं पाते। गर्जू बोला, कहाँ है वो गोजा का बच्चा, आज तो उसकी खैर नहीं, जान से मार दूंगा उसे। चलो ले चलो मुझे, कहाँ रहता है ये गोजा का बच्चा। वो बादशाह सलामत वो जामन के बाग के पास के दरिया के किनारे रहता है, सारे खरगोश खाकर मजे कर रहा होगा। चलते चलते वो वहाँ पहुँच गए। वो देखिए बादशाह सलामत, वो देखिए पानी में नहा रहा है। जब गर्जू ने देखा तो वो समझा कि पानी में गोजा शेर है और उसे देखकर दहाड़ रहा है। मगर बच्चों, जानते हो पानी में तो कोई शेर नहीं था, बल्कि गर्जू राजा का अपना ही एक्स था। गर्जू अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और फौरन पानी में कूद पड़ा और अंदर ही फंस गया। पोनू खरगोश की अक्लमंदी काम आ गई और जंगल के सारे जानवर बच गए।
प्यारे बच्चों, दिमाग की ताकत जिस्म की ताकत से ज्यादा फायदा मंद होती है और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और गुस्से में नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हमेशा नुकसान ही होता है।